हाय, माय नेम इज़ सुदीप्ता मंगल और मैं एक फिटनेस और लाइफस्टाइल कोच हूँ। फ्लेक्सिबल फिटनेस के साथ जर्नी बहुत ही सुंदर और आई ओपनिंग रहा है। तो मैं पहले से ही फिटनेस कोच थी और 2015 में, और मैं काफ़ी सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रही थी, जैसे जुम्बा, पिलाटीज, अष्टांगा योगा, फंक्शनल ट्रेनिंग, जो वो रो बैटल्स आते हैं ये सारे। तो उसमें मुझे फील हुआ कि मैं कर तो रही हूँ, मेरा बॉडी फिट बन रहा है, लेकिन फिजिकली मैं बहुत केपेबल नहीं हो पा रही हूँ। और जुम्बा करके मेरा बहुत मसल लॉस हो गया था, लेकिन मैं दिखती मोटी थी। पिलाटीज करके अच्छा था, अलाइनमेंट सही था, लेकिन मुझे फंक्शनैलिटी बॉडी का समझ नहीं आ रहा था, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया या एजिलिटी, स्पीड बॉडी का, ये सब मुझे समझ नहीं आता था। योगा करके मुझे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत आया, लेकिन एक पुशअप करने का स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था। फिर मैं 2018 में गुंजन सर से मिली फेसबुक के थ्रू। मैंने उनका एक फ़ोटो देखा जिसमें स्ट्रेंथ, एजिलिटी, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, सारा एलिमेंट्स एक साथ मुझे देखने को नज़र आया, और मैं बिल्कुल देख के फैसिनेट हो गई कि ये कौन है और इसका फिटनेस ऐसा कैसा है कि हर एलिमेंट इससे दिख रहा है। सो मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया और उनसे बात की। जिस दिन मैंने बात की, उसी दिन मुझे समझ में आया कि सर ने काफ़ी बड़ा जर्नी जिया है फिटनेस में। और जो सर्टिफिकेशंस होते हैं कोर्सेज, मैं किसी को रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद सर्टिफाइड हूँ, लेकिन उसमें बहुत ही सरफेस लेवल और आधा अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब मैंने गुंजन सर से बात की, तो उनसे मुझे समझ में आया कि फिटनेस एक किस तरह से एक पूरा अम्ब्रेला है। उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ भी है, एजिलिटी भी है, कोऑर्डिनेशन है, स्पीड है। और सर ने मुझे ये एहसास दिलाया बातों से ही कि किस तरीके से बॉडी को सिर्फ फिजिकली नहीं, बट खाने के थ्रू और सोने और लाइफस्टाइल के थ्रू फिट रख सकते हैं। और मैं बहुत ही फैसिनेट हो गई थी उनसे बात करके कि इतना कुछ सिंपल है एक अच्छा फिट बॉडी और माइंड पाना, लेकिन हम सरफेस लेवल के नॉलेज के पीछे भागते हैं। फिर मैंने गुंजन सर के साथ ट्रेनिंग चालू की, और सबसे चौंकने वाली बात ये थी कि मैंने ट्रेनिंग तब चालू की जब मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैरों पे, एंकल फ्रैक्चर राइट साइड। और मैंने सोचा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल लिमिटेड है, अब मैं कैसे ट्रेनिंग करूँगी। लेकिन सर ने एक्चुअली तभी ऑफ़र किया मुझे कि मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा, अब तुम्हारा ट्रेनिंग चालू होगा, माइंड एंड बॉडी दोनों। तो मैं जुहू बीच पे जाने लगी और उनके साथ, और उन्होंने मुझे छोटे छोटे मूवमेंट्स के थ्रू खिलाना चालू किया। सो वी स्टार्टेड प्लेइंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जैसे होल्डिंग हो गया, हैंगिंग हो गया, अगर एक पैर नहीं प्लास्टर्ड है तो दूसरे पैर से सिर्फ इसको होल्ड करके रखना, दूसरा पैर हाफ एल सिट में हैंग करके रखना। तो काफ़ी यूनिक वे में और क्रिएटिव वे में, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में हमने अपने बॉडी के साथ खेला, और उससे समझ में आया कि आपकी बॉडी अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके बॉडी के अंदर, लेकिन आपको नहीं पता होता है। और जब एक गाइड, एक कोच सही तरीके से उसको एक्सप्लोर करवाता है, तो आप अलग अलग अचीवमेंट्स देखते हो, आप मैजिक देखते हो अपने बॉडी के कैपेबिलिटीज़ के थ्रू। तो जब मेरा प्लास्टर भी उतरा, तब इतना मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मेरा एकदम बिना कोई पेन किलर या कुछ भी मेडिसिन लेके या थेरेपी बिना लिए ठीक हो गया, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी फंक्शनल था, सिर्फ वो जगह प्लास्टर्ड था, बट बाकी सब बॉडी अच्छे से होता था। और सर मुझसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करते थे कि तुम्हारा माइंड कहाँ है, तुम्हारा माइंड कैसा सोचना चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तुमको किस तरह का खाना चाहिए जो हीलिंग होता है। और इनफैक्ट खाने के थ्रू मुझे बहुत हीलिंग हुआ। सर ने वीगनिज्म और होल फूड प्लांट बेस्ड इंट्रोड्यूस करवाया मेरे लाइफ में, और उसके बाद मेरा कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम, पीरियड क्रैम्प्स जैसा प्रॉब्लम सही हो गया। और ऐसा नहीं कि मुझे एक साल लगा, 2 महीने में मैंने इतना बड़ा चेंज देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर धीरे धीरे खेलते खेलते बॉडी के थ्रू कब रिकवरी हो गया इतने अच्छे से और खुशी खुशी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पैर उतना एक्टिव हो पाएगा पहले जैसा, लेकिन एक्चुअली मैं फ्रैक्चर सही होने के बाद मैं पार्कौर ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, एंड इट वॉज़ मैजिकल। क्योंकि आपको अपने बॉडी के हीलिंग पावर्स में इतना नहीं होता है विश्वास, बिकॉज आप सरफेस लेवल पे सोचते हो कि इसको क्योर करना, लेकिन गुंजन सर ने मुझे सिखाया कि कैसे केयर करते हैं बिट बाय बिट, फूड के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू, स्लीप पैटर्न्स के थ्रू, और एक होलिस्टिक वे में कैसे फंक्शनल कर सकते हो अपने बॉडी को।
उन्होंने मुझे वार्म अप से लेके वर्कआउट से लेके कूल डाउन का पूरा डिटेलिंग दिया। और एज अ फिटनेस कोच मुझे बढ़ना था आगे, क्योंकि मेरा पहले जो मैं जुम्बा, योगा, पिलाटीज, फंक्शनल स्ट्रेंथ, एनिमल फ्लो, सारा सर्टिफिकेशन करने के बाद भी मैं हार्डली महीने में 5,000 रुपये कमाती थी किसी भी क्लाइंट से, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, कंटेंट नहीं था, वोकैबुलरी लैकिंग थी। और मैं क्लाइंट्स से वेट लॉस तो करा लेती थी, लेकिन होलिस्टिक वे में उनको किस तरह से फंक्शनल करना है बॉडी, वो मुझे आता नहीं था। और जिस दिन से मैं गुंजन सर से मिली और कुछ ही महीनों में मैंने खुद के कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरे अंदर चेंज देखा, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर होकर मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि सुदीप्ता, तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी इतना मसल गेन और फैट लॉस कैसे हुआ? पहले भी तुम पतली थी, लेकिन अब तुम्हारा बिल्ड बिल्कुल अलग है। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये फ्लेक्सिबल फिटनेस का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर और गुंजन सर की ट्रेनिंग के वजह से हुआ है। तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे मूवमेंट के थ्रू कि वार्म अप कैसे करते हैं, वर्कआउट करते कैसे हैं, कोई एक दिन लेग डे मत रखो, पूरे बॉडी को इस्तेमाल करो, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, और अलग अलग जगह में अलग अलग खेलो। आप अगर पुशअप यहाँ कर सकते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, अलग अलग जगह जाके अलग सेम मूवमेंट करोगे तो आपका उसी के थ्रू एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया और अब मैं लाखों में कमाती हूँ, जो मेरे सोच के बाहर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक महीने के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपये होगा। और ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग विद गुंजन सर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैं गुंजन सर के अंडर ट्रेनिंग लिया। मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं रोका, क्योंकि मुझे हर दिन मुझे लगता था मैं कुछ नया सीखूंगी, और सच में मैंने नया सीखा। मुझे कभी बोर फील नहीं हुआ, कोई रेप्स नहीं थे मेरे क्लास में, कोई ट्रेनिंग में, लेकिन मैं थकती थी, मेरे पसीने छूट जाते हैं सर के क्लास में। इट्स सो चैलेंजिंग, लेकिन इतना मज़ा आता है कि मैं रुकती ही नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है उसमें गुंजन सर मुझे ये बोलते हैं कि इस चीज़ को तुम एज अ नेगेटिव मत देखो एस्पेक्ट, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, कि अगर तुमने किया उसमें मसल तो यूज़ हो रहा है ना, तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, तुम्हारा अजिलिटी तो बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे रनिंग तक अच्छे से सिखाया, क्योंकि यूजली हम रनिंग नॉर्मली हाथ अजीब से यूज़ करते हैं, बट उन्होंने मुझे सिखाया कि बॉडी को एज अ यूनिट कैसे फ्रीली रनिंग करो। अब मुझे रनिंग इतना पसंद है, क्योंकि काफ़ी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है सबके दिमाग में कि अगर मैं योगा करती हूँ तो रनिंग से मेरा हिप टाइट हो जाएगा। रनर्स लोग बोलते हैं नहीं, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं पसंद। सब लोग अपने अपने जॉनर में, रेजिम्स में प्राइड लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि गुंजन सर के ट्रेनिंग में हर पार्ट, हर रेजिम का एलिमेंट इतने सुंदर से उन्होंने उसको एमलगेट किया एक साथ, इतना फ्यूजन बनाया है एक तरीके से, कि बॉडी भी आपको ब्लेसिंग देती है। और जब सोर होता है तो बॉडी को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो भी सर ने मुझे सिखाया एज अ फिटनेस कोच। इसी वजह से मेरा तनख्वाह पहले जितना कम था उसका डबल, ट्रिपल एंड 4 times double अब हो गया, एंड स्टूडेंट्स पे मी, क्लाइंट्स पे मी, बिकॉज उनको दिखता है वो लेवल कि वो ट्रांसफॉर्म हो सके। अभी मेरी एक क्लाइंट है जिसका थायराइड लेवल बहुत ही ज़्यादा था और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था, दवाई पे डाल दिया था, लेकिन मैंने उनको गुंजन सर के थ्रू और जो न्यूट्रिशन कोर्स मैंने और गुंजन सर ने साथ में किया उसके थ्रू इतना सही तरीके से मैंने उसको ट्रेन किया कि उसका थायराइड बिल्कुल नील हो गया। इट गॉट रिवर्स्ड एंड जस्ट इन 3 months, एंड डॉक्टर्स वो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो मुझे लगता है कि गुंजन सर ने मेरे अंदर इस तरीके का एक पावर, एक एनर्जी डाल दिया है, जिसके वजह से मुझे फिटनेस से प्यार हो गया है। मैं बोर हो गई थी फिटनेस से करने के बावजूद, मैं सिर्फ सिखाने के लिए सिखाती थी बट मुझे एंथुसियाज्म नहीं फील होता था। अब मुझे अगर आप बोलो क्लास लेना है तो मेरे अंदर एनर्जी भरी रहती है, चाहे अन एज अ स्टूडेंट जब मैं गुंजन सर के क्लास में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कब क्लास शुरू हो, और 2 घंटे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब कब मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा मैं खेलूँ अपने बॉडी के साथ। और अगर मैं थकती भी हूँ या कुछ नहीं होता है तो गुंजन सर हमेशा रहते हैं मोटिवेट करने के लिए। काफ़ी बार एज अ टीचर आप सोचते हो कि हाँ मैं स्टूडेंट को सिखाऊं उसको आ जाए, या स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो क्या करूं जो नहीं आए, आपके दिमाग में ये सारे काफ़ी सवाल चलते हैं। ऐसे में गुंजन सर ने मुझे एज अ टीचर भी बताया कि किस तरीके से आप एक स्टूडेंट के अंदर विश्वास डालोगे, उसके पोटेंशियल को कैसे आगे से लेके नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाना है। ये चीज़ गुंजन सर का बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट तो आप अच्छे होते हो, लेकिन एज अ टीचर
कैसे आप किसी का लाइफ चेंज कर सकते हो। मेरा लाइफ खुद चेंज हुआ गुंजन सर के अंडर, लेकिन अगर मैं अपना लाइफ चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे भी एज अ स्टूडेंट ट्रेन होना होगा, एज अ टीचर, कि एज अ टीचर कैसा बनना है। इसके वजह से मैं FFC का जो लेवल 1 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है जो होने वाला है, इसमें मैं भाग लेना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि सिर्फ ट्रेनिंग से अगर इतना हो सकता है, इतना फ़ायदा हो सकता है मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को, तो अगर मैं TTC करूँगी तो उसमें तो सिर्फ स्पेसिफिकली यही सिखाया जाएगा कि आप कैसे स्किल्स को बढ़ा सकते हो, कैसे टीचिंग को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स है लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं वो दिमाग में। जैसे मेरा था, मेरा कॉन्स्टिपेशन मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ था। 30 साल तक मेरा कॉन्स्टिपेशन था। मैं यही समझती रहती थी कि शायद मैं ऐसा, मेरे मम्मी पापा को है तो मुझे भी है, बंगाली हूँ तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही। लेकिन गुंजन सर ने, जिस दिन मुझसे वो मिले, गुंजन सर ने मुझे खाने के बारे में ऐसी चीज़ें बताई, कॉम्बिनेशंस बताया, और उन्होंने खाना खिला के भी मुझे दिखाया, तो बना के दिखाया मुझे, और मुझे समझ में आया कि सिंपल सादा नेचुरल मेथड्स अडॉप्ट करके आप किस तरह से लाइफ चेंज कर सकते हो और हील कर सकते हो अपने इंटरनल इंजरीज भी। यू डोंट नीड टू गो टू अ बिग डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, योर बॉडी इज़ योर मेडिसिन। सेम वे फिटनेस में भी आपको हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग करो और अलग अलग इक्विपमेंट ढूंढो और डिपेंड करो। गुंजन सर की ट्रेनिंग का खासियत यह है कि आपके बॉडी के साथ वो ऐसा चीज़ कराते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि मैंने योगा 2 साल किया लेकिन मुझे कभी बकासना नहीं आया, और जिस दिन मैं गुंजन सर से मिली थी उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि तुम्हारा सपना क्या है। मैंने उनको बोला था मेरा सपना है बकासन करना, वो बहुत ज़ोर से हंसे और मुझे लगा अरे ये कितने रूड है, हंस क्यों रहे हैं, मेरा ये सपना है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सुदीप्ता तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है तुम नहीं देख सकती लेकिन मैं देख सकता हूँ, मैं जैसे तुम्हें ट्रेन करता हूँ तुम ट्रेनिंग लो, एक दिन मैं तुम्हें बताऊँगा और वो आ जाएगा। और सच में ऐसा हुआ, मैंने तो छोड़ दिया था सोचना बकासना के बारे में, लेकिन उन्होंने मेरे अपर बॉडी का कैपेबिलिटी इतना बढ़ा दिया कि एक दिन उन्होंने सच में बोला कि हाथ रखो, आगे बढ़ो, वेट शिफ्ट करो, आगे देखो, सांस लो, सांस छोड़ो, हो गया। एंड इट वाज दैट सिंपल। तो अगर हम फिटनेस ड्रिल्स और स्किल्स के साथ इतने मज़े से हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और पास अचीव कर सकते हैं तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा ह्यूमन फ्लैग या बकासना या हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड। सो जब मैंने गुंजन सर को प्रैक्टिस करते हुए देखा वो एक अलग स्टोरी था, क्योंकि जब मुझे लगता था कि चलो वो अच्छा सिखाते हैं, बट मैंने जब उनको पार्क में देखा प्रैक्टिस करते हुए, उनके घर में देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे लगा कि अगर ये एक मूवमेंट के साथ इतना टाइम बिताते हैं तो ये स्टूडेंट को कितना सही पॉइंटर दे सकते हैं। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि सर खुद बहुत बड़े एक्सपर्टीज़ है क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं सेम मूवमेंट का क्वालिटी, फिर आपको एज अ स्टूडेंट वो बताते हैं कि ये करो तो ये अच्छा हो जाएगा और तुरंत सही हो जाता है। तो सिर्फ, और ये सिर्फ इस चीज़ से लिमिटेड नहीं है कि आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा हो या लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा हो। आप अगर सर को प्रैक्टिस करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैलिस्थेनिक्स भी करते हैं, ये योगा भी करते हैं, ये जिमनास्टिक्स भी करते हैं, इनका मार्शल आर्ट कितना अच्छा है। तो एवरी सिंगल थिंग कम्स इनटू वन अम्ब्रेला, एंड इसीलिए मज़ा है। अगर आप एक ही चीज़ के अंदर घुस जाओगे तो आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, और ये मैंने गुंजन सर के ट्रेनिंग से सीखा। और उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं कोई सर्टिफिकेशन करूँ, क्योंकि फिटनेस इज़ प्रैक्टिकल। तो आप समझ सकते हो मेरे इन बातों से कि मेरा जर्नी कितना आई ओपनिंग रहा है मेरे लिए। मैंने लाखों लाख रुपए, 7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा किया है फिटनेस में सीखने के लिए, लेकिन गुंजन सर के अंडर 2 साल में मैंने जो अचीव किया है वो 10 साल में भी नहीं कर पाई थी। तो मेरा टाइम, मेरा एनर्जी और मेरा पैसा तीनों मुझे मेरा बच गया, और एज अ टीचर आई स्टार्टेड अर्निंग सो मच। सो आप सोच सकते हो कि ये मेरा जर्नी कितना मैजिकल और कितना सैटिस्फाइंग रहा है। और मैं नहीं वेट कर सकती कि जल्दी से फेब्रुअरी आए और TTC चालू हो, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी। पहले मैं मेंटल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज सेड माइंड ओवर बॉडी। तो मैं हमेशा एक ऐसे इंसान रही हूँ जो हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल 100% उतना नहीं रहा है कोई भी चीज़ लाइफ में करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने कंटेंट में बिलीव नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने ट्रेनिंग चालू किया तो गुंजन सर के गाइडेंस के अंदर वो मुझे छोटी छोटी बात समझाते थे माइंड के बारे में, कि अगर
तुम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती हो, खुद को देखना चाहती हो, तो डेयर करना पड़ेगा तुमको विद सेफ्टी ऑफ कोर्स। तो पार्कोर जैसे रिस्की स्पोर्ट को भी उन्होंने मेरे लिए इतना आसान किया, और जब मैं पार्कोर का कोई भी जंप एक जगह से एक जगह कर पाती थी उनके अंडर, उनके गाइडेंस के अंडर, तो मुझे समझ में आया कि फियर सिर्फ माइंड में है, ये हमें पार करना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप सिर्फ पार्कोर के थ्रू ही नहीं बट मार्शल आर्ट के थ्रू, कैलिस्थेनिक्स के थ्रू, चिनअप के थ्रू, पुलअप के थ्रू, अलग अलग मूवमेंट में के थ्रू उन्होंने मुझे इस तरीके से मेरे माइंड को ऐसे एटीट्यूड में पहुंचाया कि आई एम द बेस्ट। और वो मुझे हमेशा कोई भी मूवमेंट से पहले बोलते हैं, टेल इट, से इट आउट सुदीप्ता, आई एम द बेस्ट। और मुझे सच में ये बिलीव होता है जब मैं बोलती हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई फील लाइक आई एम द बेस्ट। तो ये बहुत देखने में सुनने में छोटी सी बात है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस गुंदन सर ने मुझे इस तरह से समझाया कि अब मैं कोई मूवमेंट करने जाती हूँ तो वो नया लर्निंग होता है, मैं उसके लिए हार फील नहीं करती हूँ, जबकि पहले मेरा माइंड का मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं था। लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद इंसान काफ़ी झुक जाता है सिचुएशन के आगे, लेकिन मैं दोबारा उठी। मेरे लाइफ में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स थे लेकिन गुंजन सर के क्लास के थ्रू मुझे मेंटल स्टेबिलिटी और फियरलेसनेस का फीलिंग आया, मैं बहुत स्ट्रांग हुई, सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये मेंटल लेवल भी है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि क्लास में मैं बहुत लो फील करती थी लेकिन उनके पेप टॉक के वजह से, मोटिवेशन के वजह से मैं इतना फिर से एनर्जेटिक फील करने लगती थी कि मैं फिजिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, और जब मैं घर जाती थी तो अपने बारे में अच्छा फील करती थी। तो जब इंसान अपने बारे में अच्छा फील करता है तो वो दुनिया को भी अच्छे नज़र से देखता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि बिफोर फिजिकल मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मैं अब बिल्कुल अलग इंसान हूँ। और फिजिकल लेवल में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिना किसी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट वेट ट्रेनिंग के मेरे को मसल गेन हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरा वेट पहले 46 केजी था और मैं बहुत बल्की थी, मेरा गाल बहुत फुला हुआ था, और अब मैं 45 केजीज हूँ लेकिन मेरा मसल गेन आप देख सकते हो और मेरा लीन बॉडी हो गया है। सो फिजिकली भी उन्होंने स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को और कोऑर्डिनेशन को इस तरीके से मुझे सिखाया, और बॉडी ने इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स के थ्रू मसल को ग्रो कराया कि अब मैं बहुत सच में स्ट्रांग फील करती हूँ। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मैं जब ट्रैक पे जाती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी रहता है, मैं बिल्कुल फटीग्ड फील नहीं करती हूँ। आप अगर मेरा काफ मसल्स देखोगे तो ये सिर्फ मेरा बेयरफुट रनिंग से हुआ है, और ये गुंजन सर ने मुझे ट्रेन किया कि किस तरह से रनिंग करो और छोटा छोटा अचीव करोगे आप जैसे जैसे जाओगे। तो मुझे मेरे अंदर बहुत डिफरेंस फील हुआ है। आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मेकअप लगाऊं और तब सुंदर लगूं, क्योंकि मुझे अपने आप में मेरा स्किन अच्छा फील होता है बिकॉज ऑफ सर्स ट्रेनिंग। उनका लाइफस्टाइल मैंने फॉलो करना चालू किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से स्लीप, किस तरह से खाना और किस तरह से एक्सरसाइज, ये तीनों को साथ लेके बढ़ोगे तो तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। सो इसके वजह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फिजिकल और मेंटल और इमोशनल तीनों चीज़ का बैलेंस ट्रेनिंग के थ्रू बहुत ही सुंदर तरीके से मैं देख पाती हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं 30 के बाद मेरा बॉडी और माइंड इतना ग्रो कर सकता है तो 60-80 में तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लाई करूँगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। जब मैं 2018 में गुंजन सर से मिली थी तो मुझे एक चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि किसी इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, क्या ये घमंड है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब उन्होंने अपना जर्नी शेयर किया मेरे साथ कि किस तरह से वो फिटनेस में आए, कैसे उन्होंने अपने फैमिली को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने हज़ार स्टूडेंट्स का लाइफ बेटर किया फिजिकली मेंटली, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये घमंड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। बिकॉज उनका जो कंटेंट है लाइफ का, जो जिस वसूलों पे वो जीते हैं, वो इतना तगड़ा है और इतना सिंपल है, इतना नेचुरल है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। क्लास में काफ़ी बार ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट मैं कुछ करती हूँ और मुझे लगता है हाँ अच्छा हुआ, लेकिन मैं उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे से ज़्यादा गुंजन सर के चेहरे पर खुशी दिखती है। तब मुझे यकीन होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को किस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स के। और ये चीज़ से भी मेरा ग्रोथ बहुत हुआ है। एज अ कोच हम अगर खुद खुश नहीं रहते तो हम स्टूडेंट्स को क्या खुश कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो गुंजन सर ने मेरे अंदर डाला
और मुझे इन्फ्लुएंस किया इस तरीके से, इसकी वजह से मेरा ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड इसीलिए लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं कि तुम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहती हो, तुम डिसिप्लिन कैसे रहती हो, तुम मोटिवेट कैसे होती हो। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि मेरे टीचर को जब मैं देखती हूँ, जब वो बाहर अकेले निकलते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स उनको भी फेस करना पड़ता होगा लाइफ में, लेकिन वो किस तरीके से अपने आप को इंस्पायर करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से वो खेलते रहते हैं, वो देख के मुझे भी इंस्पिरेशन फील होता है। एंड ये इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि गुंजन सर का ट्रेनिंग ऑफकोर्स प्रोफेशनल है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए वो बहुत केयर करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं, उनके टेम्परमेंट को, उनके मूड को वो समझते हैं क्लास में, और उस तरीके से उस सेशन को वो स्ट्रक्चराइज करते हैं, और वो इतना ऑन स्पॉट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है कि आपको फील ही नहीं होता है। एक बार मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स हुआ था और मुझे बहुत लो फील हो रहा था, लेकिन फिर सर ने बोला चलो हम ये हटा के हम दूसरा सेक्शन लेते हैं फिटनेस का और हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, सिर्फ टेक्निक पे काम करते हैं, और वो मुझसे बात करते गए और मुझे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया कि मैं कब पेन चला गया मुझे समझ में ही नहीं आया, और मेरे सांस पे उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस कराया कि मेरा बाकी सारा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। सो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि सर एक नॉर्मल कोच नहीं है जो कि कोई कोर्स से सीख के आए हैं, पढ़ाई लिखाई करके आपको बस बता दे, क्योंकि नॉलेज आप शेयर कर सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस करके फिर वो नॉलेज जब आप शेयर करते हो तो वो आप फिर जीते हो, वो आपको फिर फ़ायदा करता है, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी फिटनेस कोच है, गाइड है, जिमनास्टिक्स कोच है, अलग कैलिस्थेनिक्स कोच है, सबके पास आप जाओगे सबका अलग अलग आपको सिखाएंगे, लेकिन वो खुद उतना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, एक पॉइंट के बाद उनका प्रैक्टिस बंद हो जाता है, बट गुंजन सर का प्रैक्टिस कभी बंद नहीं होता है, वो डेली मैं उनको देखती हूँ, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के थ्रू भी उन्होंने घर पे ऐसे ऐसे एक्सरसाइज बताए कि मज़ा आ गया करके। सो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक इंसान, अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ऑफकोर्स यू कैन बी अ गुड टीचर अलॉन्ग विद बींग अ गुड ह्यूमन बींग। तो ये क्वालिटी जब मैंने गुंजन सर के अंदर देखा और उनके साथ टाइम बिताया, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया मेरे अंदर, और इसी तरीके से मेरा चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ, एटीट्यूड चेंज हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके ट्रेनिंग से, क्योंकि कभी कभी वो ट्रेनिंग से भी ज़्यादा वैल्यू सिखा देते हैं हमें लाइफ के, और हंसी हंसते हंसते उनका खाना पीना इतना सिंपल है कि वो मज़े करते हैं उसमें, कोई भी खाने को अगर टेस्टी भी नहीं बना होता है, नमक भी नहीं होता है, उसमें भी वो खुशी खुशी खाते हैं। ये एक सीखने की बात है कि हमेशा हम लाइफ में ना ज़्यादा बोलते हैं, और उनके एटीट्यूड में ये मैंने डिफरेंस देखा है कि वो हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बोलते हैं, और ये सीखने वाली बात है हर इंसान को, चाहे आप फिटनेस में होना हो, एंड एक्चुअली में ये चीज़ आपको ज़्यादा फिट बनाती है। सो आई एम इन लव विथ हिज ट्रेनिंग, नॉट जस्ट एज प्रोफेशनल कोच एंड स्टूडेंट, बट ऑल्सो एज अ पर्सनल, ऑन अ पर्सनल लेवल, बिकॉज जब वो एनर्जी हमें पास करते हैं अपने ट्रेनिंग में, तो हमारे अंदर भी नए एनर्जी आता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा इंसान से मिलने का मौका मिला, एक अच्छे इंसान से नॉलेज मिला, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है इस दुनिया में, बट एक होलिस्टिक वे में किस तरीके से आपके माइंड और बॉडी को आप ट्रेन कर सकते हो और करवा सकते हो लोगों से, उनके इंजरीज को हील कर सकते हो, उनके इमोशनल वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, ये मैंने गुंजन सर से ही सीखा। तो एज अ कोच आई डोंट थिंक कि मैं किसी और के पास जा भी सकती हूँ, किसी और को ट्रस्ट कर सकती हूँ जितना मैं गुंजन सर को ट्रस्ट करती हूँ। गुंजन सर की एक और खासियत है, वो एक एक्सरसाइज अलग अलग एज ग्रुप से इतने सुंदर तरीके से करवाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि ये एक्सरसाइज इतना फन है और चैलेंजिंग है और इजी, तीनों आप एक्सप्लोर कर पाते हो लेवल्स। तो मैंने उनका काफ़ी वर्कशॉप्स भी अटेंड किया है और मैंने देखा कि वर्कशॉप में बहुत अलग अलग तरीके के इंसान आते हैं, माइंड लेवल अलग होता है सबका, फिजिकल लेवल अलग होता है, लेकिन वो एक ही एक्सरसाइज अलग लोगों को अलग अलग लेवल पे इस तरीके से कराते हैं कि हर किसी को अचीवमेंट फील होता है। और यही हमारा एज अ फिटनेस कोच होना चाहिए कि कोई भी दुखी मन से ना जाए, कोई भी फिटनेस को हार्ड या बोरिंग या पनिशमेंट ना देखे। तो गुंजन सर के वजह से मैंने भी अपने लाइफ में फिटनेस को फन जैसा देखने लगी हूँ मैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी है और प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, हम अपने बॉडी को अपने आप से ज़्यादा जुड़ते हैं, हम अपने बॉडी को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं।
तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ इस बात का कि मैं उनसे मिली और मेरे लिए फिटनेस का मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि आप बहुत अलग अलग कोर्सेज जाओगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जाओगे, वो लोग भी अच्छा सिखाते हैं लेकिन वो लोग पूर्ण तरीके से नहीं सिखाते हैं क्योंकि वो खुद नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन गुंजन सर ने 20 साल से उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने खुद में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। इसकी वजह से वो जब शेयर करते हैं अपना जर्नी तो हर कोई इंस्पायर होता है, फॉलो करना चाहता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारी कंट्री को, इंडिया को ज़रूरत है इस तरह की फिटनेस की। क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं और आपको लगता है वाओ दैट्स सो कूल, बट आप अगर गुंजन सर को देखोगे, उनके सब कोचेस को देखोगे, उनके पहले के जो कोचेस है उसमें 17 साल का लड़का भी है, उसमें 47 इयर्स ओल्ड भी आदमी है, उसमें उनकी भाभी भी है और उसमें उनकी भांजी भी है, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं अपने लेवल से। तो अगर एक बच्चा जो कर सकता है और एक बूढ़ा भी वो कर सकता है तो ऑफकोर्स वो एक्सरसाइज अच्छा होता है, ना कि आप ऐसा कोई एक्सरसाइज करो जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो बाकियों के लिए या फिर बहुत ही इजी हो फिटनेस कोच के लिए। सो मुझे लगता है इंडिया को इस लेवल का फिटनेस की ज़रूरत है जहाँ पर सभी आदमी अपना बेस्ट करे और बहुत ही अच्छा करे, जो इंसान नहीं सोच सकता। और हमारे दुनिया में, हमारे देश में इतना कोई खामी नहीं है, गाइडेंस की खामी है जिसके वजह से लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल। अगर आप किसी ईदो पोर्टल को देखते हो और इंस्पायर होते हो तो आप हमारे इंडिया में गुंजन सर को देखिए और उनसे इंस्पायर होइए, क्योंकि उनके एक्सरसाइज भी बहुत यूनिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और ऐसे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सुंदर तरीके से बॉडी को आप यूज़ कर सकते हो। सो मुझे आगे आने समय में ये दिखता है कि गुंजन सर, फ्लेक्सिबल फिटनेस और उनकी पूरी टीम मिलके इंडिया को एक अलग जगह, एक अलग दर्जा देगी आगे जाके। और इसीलिए मैं जुड़े रहना चाहती हूँ इनसे, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है बट मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे मेंटोरशिप की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ। और मुझे लगता है एक मेंटोर तभी से बेस्ट टीचर टीचिंग कर पाता है जब वो खुद भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है और खुद भी अच्छा प्रैक्टिस करता है। इसीलिए मैं गुंजन सर को बहुत मानती हूँ क्योंकि वो खुद का प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते, और सिर्फ एक चीज़ में नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ में, खाने पीने में, लाइफस्टाइल में और अलग अलग मूवमेंट में। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि वो मेरे लाइफ में आए, मैंने उनसे काफ़ी चीज़ सीखा और वो अप्लाई करके मेरी लाइफ